गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे, है ना बच्चों? तो आज की इस हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चों, आज हम यहाँ पर तीसरी कक्षा के लिए विषय हिंदी। तो आज की इस क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों, क्या सीखने जा रहे हैं? तो आज की इस क्लास में हम अम मात्रा वाले शब्दों को सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मात्राओं से जुड़े शब्दों के बारे में हम बहुत सारे क्लासेस कर चुके हैं, यानी कि अ आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, री ए ऐ ओ औ। तो लास्ट क्लास में हम इतने सारे मात्रा अनुसार शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है और उन्हें किस तरह से लिखा जाता है इसके बारे में हम अभ्यास कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम अम की मात्रा वाले शब्दों को हम अभ्यास करने जा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा और जो भी मैं यहाँ पर आपको लिखाती हूँ उसे लिख कर लेना होगा, ओके? नोट डाउन करते हुए जाना है, लेकिन कौन सी मात्रा कहाँ पर लगाई जाती है और उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है इस पर आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, ओके? चलिए, तो आज हम यहाँ पर क्या करेंगे, अम मात्रा वाले शब्दों को अभ्यास करेंगे। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर अम की मात्रा किस तरह होती है? अम की मात्रा किस तरह होती है बच्चों? मात्राओं के बारे में हम सीख चुके हैं ना, तो बताइए अम की मात्रा किस तरह होती है? अम की मात्रा इस तरह से लिखी जाती है ना बच्चों? शिरोरेखा के ऊपर बिंदु दिया जाता है ना? तो यहाँ हम क्या करेंगे, अम की मात्रा वाले शब्दों को आज हम सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो बताइए यहाँ पर अम से आने वाले शब्द कौन से हैं बच्चों? अम से आने वाले शब्द कौन से हैं बताइए? अम क्या है, ये क्या है? अनुस्वार है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम विसर्ग कहते हैं। ये दोनों क्या है बच्चों? अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं, ओके? तो बताइए अम से आने वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर? अम से अंग। अम से क्या आता है बच्चों? अंग। तो देखिए यहाँ पर अंग को किस तरह से लिखा जाता है, अ जमा अम की मात्रा जमा ग बराबर। देखिए यहाँ पर अ को अम की मात्रा लगाने से अ का क्या बन गया, अम बन गया, और आगे हमने क्या किया, ग लगाया, तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया बच्चों? अंग बन गया। ये कौन सा शब्द है बच्चों? अंग शब्द बन गया, ओके? तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा शब्द ले लें, जैसे कि हम हंस, क्या करना है, हमें हंस लिखना है। तो हंस को किस तरह से लिखा जाता है? देखिए यहाँ पर ह लिया और उसे हमने अम की मात्रा लगा दी, और यहाँ पर हमने फिर से जमा लिखा, और आगे हमने क्या किया, स लिखा। तो देखिए यहाँ पर ह को अम की मात्रा लगाने से ह का हम बन गया, और आगे हमने क्या किया, स लगाया, तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया बच्चों? हंस शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया? हंस, ओके, हंस। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम और एक उदाहरण लेंगे, पंख, क्या करेंगे बच्चों? पंख। पंख को किस तरह से लिखा जाता है? देखिए प में अम की मात्रा और जमा ख बराबर। तो यहाँ पर प को अम की मात्रा लगने से प का क्या बन गया, पंख, और आगे हमने क्या किया, ख लगाया, तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया, पंख शब्द बन गया।
कौन सा शब्द बन गया बच्चों? पंख शब्द बन गया। प आम की मात्रा, ख पंख। ओके, तो नेक्स्ट और एक शब्द ले लें, जैसे कि यहां पर मंच। क्या करना है हमें? मंच लिखना है। तो म को आम की मात्रा लगा दी, म में क्या हो गया? आम की मात्रा लग गई। और यहाँ पर हमने क्या किया? च लिखा। तो बराबर देखिए, यहाँ पर म को आम की मात्रा लगाने से मन, और आगे हमने क्या किया? च। तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया बच्चों? मंच शब्द बन गया। कौन सा शब्द बन गया? मंच शब्द बन गया। ओके, देखिए अंग, हंस, पंख, मंच। और आगे अब दूसरा शब्द लेंगे हम, जैसे कि शंख। क्या करेंगे? शंख। तो यहां पर श लिखा और आगे हमने आम की मात्रा लगा दी, जमा ख लिखा। तो यहाँ पर बराबर क्या हो गया? श को आम की मात्रा लगा दी गई, जो शंख बन गया, और आगे हमने ख लगाया, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? शंख बन गया। आगे लगाया हमने ख और दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया? शंख शब्द बन गया। ओके, तो नेक्स्ट और एक शब्द ले लें, जैसे कि पंकज। पंकज यानी कि कमल। पंकज यानी कि कमल। पंकज किस तरह से लिखा जाता है? देखिए यहाँ पर प लिखा, जमा आम की मात्रा, जमा क, जमा ज, बराबर देखिए यहाँ पर प को आम की मात्रा लगाने से पंग, और क ज आगे लिखा, तो तीनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया बच्चों? पंकज शब्द बन गया, है ना? पंकज शब्द बन गया। प में आम की मात्रा, क ज, पंकज। ओके, नेक्स्ट और एक शब्द ले लें, जैसे कि हम यहाँ पर कंगन। कंगन यानी के बैंगल्स। कंगन, तो कंगन को किस तरह से लिखा जाता है? देखिए क जमा आम की मात्रा, जमा ग, जमा न, बराबर देखिए क को आम की मात्रा लगा दी, जो क का क्या बन गया? कंग। और आगे हमने ग न लगाया, तो कौन सा शब्द बन गया बच्चों? कंगन। कंगन यानी के बैंगल्स, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंगन, बैंगल्स। ओके, क को आम की मात्रा लगा दी और ग न, तो तीनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया? कंगन। ओके, नेक्स्ट कंचन। क्या करेंगे? कंचन। क जमा आम की मात्रा, जमा च, बराबर न, तो देखिए यहाँ पर क को आम की मात्रा लगाने से कं, और आगे हमने क्या किया? च और न लगाया, तो कौन सा शब्द बन गया? कंचन। कौन सा शब्द बन गया? कंचन। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर औ की मात्रा सीखी थी, तो आज हम क्या सीख रहे हैं? अम की मात्रा वाले शब्द सीख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर झंडा। क्या लिख रहा है हमें? झंडा। ये जो शब्द है अम की मात्रा वाला शब्द है, झंडा। तो देखिए झ जमा आम की मात्रा, जमा ड को डा बनाने के लिए हमें कौन सी मात्रा लगानी चाहिए बच्चों? आ की मात्रा। तो नेक्स्ट देखिए ड, और आगे हमने क्या किया? आ की मात्रा लगा दी,
तो देखिए बच्चों, ज को आम की मात्रा लगाने से झन, ज को आ की मात्रा लगाने से झन, और आगे हमने ड को आ की मात्रा लगाने से ड का डा, तो तीनों मिलाकर क्या हो गया बच्चों, झंडा। एक कौन सा शब्द है बच्चों, झंडा, तिरंगा, फ्लैग। झंडा यानी कि अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, फ्लैग। ओके, नेक्स्ट और एक शब्द लेने, तो यहां पर और एक शब्द क्या है, कंधा यानी कि शोल्डर, कंधा। कंधा को किस तरह से लिखा जाता है, देखिए यहां पर क जमा आ की मात्रा जमा ध, ध को धा बनाने के लिए कौन सी मात्रा लगानी चाहिए, आ की मात्रा, बराबर देखिए क को आम की मात्रा लगाने से कं और ध को आ की मात्रा लगाने से धा, तो दोनों मिलाकर कौन सा शब्द बन गया, कंधा। कंधा यानी के शोल्डर। ओके, तो आज जब हमने क्या सीखा बच्चों, आम की मात्रा वाले शब्दों को सीखा है ना। तो चलिए बच्चों, मैं इसे पढ़ाती हूँ, उसी तरह आपको क्या करना है, पढ़ते हुए इसका प्रैक्टिस करना है। अ आम की मात्रा जमा ग बराबर अंग, ह जमा आम की मात्रा जमा स बराबर हंस, प जमा आम की मात्रा जमा ख बराबर पंख, म जमा आम की मात्रा जमा च बराबर मंच, श जमा आम की मात्रा जमा ख बराबर शंख, प जमा आम की मात्रा जमा क जमा ज पंकज, क जमा आम की मात्रा जमा ग जमा न बराबर कंगन, क जमा आम की मात्रा जमा च जमा न बराबर कंचन, झ जमा आम की मात्रा जमा ड जमा आ की मात्रा बराबर झंडा, क जमा आम की मात्रा जमा ध जमा आ की मात्रा बराबर कंधा। ओके, तो देखिए यहाँ पर अंग, हंस, पंख, मंच, शंख, पंकज, कंगन, कंचन, झंडा, कंधा। ओके, तो समझ में आ गए बच्चों, आम की मात्रा वाले शब्दों को किस तरह से लिखा जाता है, आम की मात्रा कहाँ पर किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है, आज हम इस क्लास में सीख चुके हैं। तो आज का यह क्लास अनुसार आपका गृह कार्य क्या है बच्चों, इन शब्दों को 2 times लिखते हुए इसे क्या करना है, पढ़ना है और इस मात्रा के शब्दों को लिखना है। आशा करती हूँ कि आज का यह आज का यह वीडियो क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा बच्चों, है ना बच्चों। आज तक हमने जो भी मात्रा अनुसार शब्द यहाँ पर सीखे हैं सभी समझ में आ गए ना। ओके, आई होप कि आप सब समझ चुके होंगे। तो आज का यह वीडियो क्लास यहीं समाप्त होता है बच्चों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।